Hello everyone, my name is Ramit and you are watching channel Eminence Radio. Today, we are going to talk about the Alberta Immigration Nominee Program, that is AINP, or you can say Advantage Alberta Immigration Program, AAIP or Alberta PNP. So friends, Alberta एक बहुत ही अच्छा province है, especially यहाँ के जो immigration laws हैं, वो बहुत ही better है, यहाँ पर immigration programs हैं, बहुत ही friendly हैं, और जो लोग भी easy migration को look forward कर रहे हैं, Alberta is like a heaven to them. Okay, so अगर हम Alberta का immigration programs को look forward करें, तो यहाँ पर multiple immigration pathways हैं, और जिन पाथवेज को हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर टारगेट करेंगे, स्पेशली एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम, अल्बर्टा इमिग्रेशन एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम, अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम एंड टेक नॉमिनेशन और अल्बर्टा टेक पाथवे. फ्रेंड्स, अल्बर्टा में इन पाथवेज को जो मैंने अभी आपको बताया, इसके अलावा और भी बहुत सारे पाथवेज हैं, बट जो हम जिनको मेजरली टारगेट करने वाले हैं वो ये थ्री हैं, बिकॉज हमें मोस्टली इकोनॉमिक माइग्रेशन को हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं. व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस माइग्रेशन या बिजनेस प्रोग्राम्स, उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियोस डेवलप करेंगे, जिसमें हम ईच प्रोविंस की क्या क्या बिजनेस माइग्रेशंस है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है और क्या वे आउट है उसके लिए, वो सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे. नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर कैंडिडेट है अल्बर्टा में टेम्प्रेरी फॉरेन वर्क परमिट पे है या टेम्प्रेरी परमिट पे है, लेट्स से कोई स्टडी करके अपनी जिसने कंप्लीट करा है, दे आर ऑन द वर्क वीज़ा या कोई भी तरीके के टेम्प्रेरी फॉरेन परमिट पे है एंड दे हैव अ फुल टाइम अल्बर्टा जॉब ऑफर और दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन अल्बर्टा, तो उस केस में दे कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम. एंड इस स्ट्रीम के थ्रू जो PRs हैं वो काफ़ी ईजी टू ऑब्टेन होती हैं. इसके कुछ अपने एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं जिसको आप अल्बर्टा इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, बट इसके अंदर जो एक कैच है, देयर आर सर्टेन ऑक्यूपेशंस विच आर इनएलिजिबल, सो आपको उसको ध्यान में रखना है. इसकी जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर पूरी लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल रिक्वायरमेंट्स आपको मिल जाएंगी ऑक्यूपेशंस के बारे में. इट कीप्स ऑन चेंजिंग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेटर, स्कूल प्रिंसिपल्स, ऐसे करके बहुत सारी उन्होंने ऑक्यूपेशंस को मेंशन किया है जो इस कैटेगरी में फिट नहीं होती. अगर हम कंपेयर करें अल्बर्टा की इस स्ट्रीम के लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को, तो वो काफ़ी ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू द अदर प्रोविंसेस, और यहाँ पर PR स्कोर करना कंपैरेटिवली बहुत ईजी है. सो फ्रेंड्स, एज़ पर आप जानते हैं कि अल्बर्टा में टू मेजर सिटीज़ हैं जिसको मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स टारगेट करते हैं, दैट इज़ कैलगरी एट एडमिंटन, और एडमिंटन और कैलगरी में सबसे ज़्यादा वर्क अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ आपको ईजिली मिल सकती हैं. एंड गेटिंग अ PR फ्रॉम दिस स्ट्रीम इज़ मच, और इस यू कैन से इट्स कंपेरेटिवली मच ईजियर. अनदर स्ट्रीम या अनदर पाथवे जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम. इसके अंदर आपको ये समझना पड़ेगा कि लेट्स से आप एक एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट हैं, आपने अपना एक्सप्रेस एंट्री केस अप्लाई किया हुआ है, आपने अपने जो भी सारे रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा किया है, आप क्वालिफाई करते हैं एक्सप्रेस एंट्री में. अल्बर्टा एज लो एज 301 CRS पे भी उसने लोगों को टारगेट किया है, डिपेंडिंग अपॉन द लेबर रिक्वायरमेंट्स. अब होता क्या है कि आपका एक्सप्रेस एंट्री केस में, लेट्स से अगर आपको अल्बर्टा ने टारगेट किया है, वो टोटली डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट्स पे. अगर आपको अल्बर्टा ने टारगेट किया है, तो आपको एक नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड NOI आपको रिसीव होता है आपके एक्सप्रेस एंट्री केस के अंदर. वंस यू रिसीव NOI, विदिन द 2 वीक्स आपको अल्बर्टा गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता है. वहाँ पर अल्बर्टा की वेबसाइट पे इसके रिक्वायरमेंट्स दिए हुए हैं, उनके आप वहाँ पर उनको मेल करेंगे, उनको बताएंगे दैट यू रिसीव NOI, आप इस अल्बर्टा के प्रोविंस के PR के प्रोग्राम को आगे अप्लाई करना चाहते हो. फिर वो आपको माय डिजिटल अल्बर्टा ID के अंदर आपको एक्सेस देंगे, जिसके थ्रू आप जो भी आपकी पेपर रिक्वायरमेंट्स है सब कुछ वहाँ मेंशन होगी, आप उसको अप्लाई करेंगे. वंस दे यू अप्लाई एवरीथिंग, दे विल गोइंग टू रीचेक ईच एंड एवरीथिंग, दे विल गोइंग टू वेरीफाई ऑल योर डॉक्यूमेंटेशन, जितनी भी सारी डॉक्यूमेंट होगी जिसमें आपके जॉब ऑफर लेटर्स, आपके रेफरेंस लेटर्स, आपका बैंक स्टेटमेंट्स, आपका सैलरी पे स्टब्स, आपके एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स, जो भी आपने इवैल्यूएशन करवाए हैं
और आपके जितने भी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स हैं, एवरीथिंग विच यू डिस्क्लोज इन द अल्बर्टा फॉर्म्स, वो सब कुछ वहाँ पर चेक होगा। वंस अल्बर्टा अथॉरिटीज़ या उनके जो ऑफिसर्स हैं, वो लोग जब आपका सब कुछ वेरीफाई कर लेंगे एंड इफ़ दे आर सेटिस्फाइड, दे विल गिव यू अ पॉजिटिव रिप्लाई और पॉजिटिव 600 पॉइंट्स नॉमिनेशन बाय अल्बर्टा गवर्नमेंट। जब आपको ये 600 पॉइंट्स का नॉमिनेशन मिल जाता है, सेम प्रोसेस फॉलो होता है, वही आपके एक्सप्रेस एंट्री केस के अंदर आपको 600 पॉइंट्स अवार्ड होते हैं, आप उन 600 पॉइंट्स को क्लेम करते हो, आप उसको एक्सेप्ट करते हो, देन यू रिसीव अ डिफरेंट आईटीए फ्रॉम आईआरसीसी एंड जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती है आप उसके रिगार्डिंग उसको आगे फाइल करते हो। पूरी फाइल कंप्लीट करने के बाद जो भी आगे आपके बायोमेट्रिक्स या आपके मेडिकल या जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको फुलफिल करेंगे। At the end of the stage, you receive a passport processing request, जिसको कहते हैं PPR, जिसके बाद आपको वहाँ पर आपके forms fill होते हैं, आप अपना passport submit करते हैं, finally you receive a visa, which contains Alberta PNP program के through आपको आपका PR मिला होता है और आपके जो भी उसके लिए requirements या उसके जो भी laws होते हैं आपको वो follow करके वहाँ पर landing process को begin करना होता है। आई थिंक अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम्स कैसे वर्क करता है। ना इस प्रोग्राम का ये तो जो मैंने आपको बताया, ये बताया कि अगर आप आउट ऑफ किसी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, आप कनाडा से भी अप्लाई कर रहे हैं, ये जनरल स्ट्रीम में कैसे होता है। लेट्स से यू आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन अल्बर्टा, यू आर वर्किंग इन अल्बर्टा फॉर एन अल्बर्टा एम्प्लॉयर, जिसमें आप AOS अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम को भी अप्लाई कर सकते हैं। अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम के अंदर भी एक यही इसकी कैटेगरी होती है कि दैट यू आर वर्किंग इन अल्बर्टा, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं और अल्बर्टा से इमिग्रेशन प्रोग्राम भी मिलता है। तो ये इसके 2 सब डिविजन्स हैं अल्बर्टा इमिग्रेशन प्रोग्राम के जो एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में आते हैं। ना अब इसके अंदर एक मेजर कैटेगरी जो हमने इसमें मेंशन की थी, दैट इज टेक पाथवे। अगर हम इसके नेम से समझे, दैट इज टेक पाथवे, विच मींस ये लोग पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, ये उन लोगों को या उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा टारगेट करने के लिए, स्किल को अट्रैक्ट करने के लिए, स्किल लेबर को अट्रैक्ट करने के लिए अल्बर्टा ने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है। इट इज़ अ न्यूली इंट्रोड्यूस प्रोग्राम और बहुत ही एफिशिएंट प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम उन्हीं कैंडिडेट्स को टारगेट या केटर करेगा जो लोग ऑलरेडी कनाडा में प्रेजेंट है। लेट्स से आप एक कैंडिडेट है, आप इनकी इस टेक कैटेगरी की लिस्ट में फॉल करते हैं, जिसमें जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट या डेटाबेस एनालिस्ट हो गए, वेबसाइट डेवलपर्स हो गए, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए एंड सो ऑन। बहुत बड़ी लिस्ट है, आपको अल्बर्टा की वेबसाइट पे सारी लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं, दे हैव अ ह्यूज लिस्ट, तो आपका रेजिडेंस बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, जिसके अंदर आपको एक पॉजिटिव जॉब ऑफर फ्रॉम अल्बर्टा एम्प्लॉयर अंडर दिस कैटेगरी, जो आप पोजेस करते हैं स्किल और वो अगर टेक में आती है, अगर आप उसको ले सकते हैं, तो इसके अंदर आप अल्बर्टा में इजीली टेक पाथवे के थ्रू PR जल्दी एक्सप्रेस वे में अपनी फाइल कर सकते हैं। एंड द कैंडिडेट्स दोज हु ऑप्ट फॉर दिस रूट, उनके लिए रेजिडेंसी लेना अल्बर्टा में बहुत ही ईजी है। और टेक पाथवे बेसिकली बिकॉज आपको सबको पता है कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा हैवॉक हुआ है और कनाडा में स्किल लेबर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और अल्बर्टा इज़ वन ऑफ द प्रोविंसेस जो बहुत तेज़ी से बूम कर रहा है, वहाँ पर लेबर शॉर्टेज है, उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए ये टेक पाथवे को लाया गया था। नाउ फ्रेंड्स, इसके अलावा अल्बर्टा में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं, बट ये 3 मेजर प्रोग्राम्स जो हमें लगे थे एक एज अ समरी आपको समझाने के लिए कि अल्बर्टा क्या होता है। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि अल्बर्टा के अंदर इमिग्रेशन प्रोग्राम्स लेने के क्या वे आउट हैं। इनकेस अगर आपको अल्बर्टा प्रोविंस स्पेशली एडमिंटन सिटी, आप गूगल करके या यूट्यूब पे आप इसे चेक कर सकते हैं कि कैसा सिटी है, इनकेस अगर आपको ये जगह फैसिनेट करती है, यू वुड लाइक टू गेट सेटल इन दिस पर्टिकुलर प्लेस, तो हमारे पास अल्बर्टा से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं व्हेन इट कम्स टू द वर्क वीजाज और स्पेशली द जॉब ऑफर्स। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद अस, आई विल ड्रॉप माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन एरिया। आप हमें कमेंट्स करके भी अपने जो भी क्वेश्चंस है उसको पूछ सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ यू वांट टू हैव एनी असिस्टेंस रिगार्डिंग द न्यू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन अल्बर्टा, स्पेशली रिलेटेड टू द जॉब ऑफर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। इफ इन केस you would like to get in touch with us for any expertise advice, I'll drop my contact information in the description area or you can comment below in the comment section.
In case if you like anything in this video, do hit the like button. In case if you have not subscribed to our channel, please subscribe to our channel, that is channel Eminence Ariu. Please share this video with maximum number of people for such valuable information. Thank you and thanks for watching.